अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सदा फातमा है और मैं लाहौर में रहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आज से 5 साल पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस में मुब्तला हुई और ये बड़ी तकलीफ़ दह शदीद और बहुत पेनफुल बीमारी है। मैंने लाहौर के सारे बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन मेरी तकलीफ़ बढ़ती ही गई। आखिर में मैं एक एबनॉर्मल लाइफ में आ चुकी थी। मैं चल फिर नहीं सकती थी, मैं बेड पे लेटी रहती थी, तो मैं बिल्कुल बहुत मैं परेशान थी, मैं डिप्रेस हो चुकी थी। तो हमारे घर क्रिकेटर जावेद मियाँ दाद आए, वो मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मेरी हालत देख के उन्होंने कहा कि आप कराची डॉक्टर नसाका, NS नसाका जो हैं, आप उनको दिखाएं, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अब वो जावेद मियाँ दाद ऐसे कह रहे थे तो मैंने कहा दिखा लेते हैं। तुमने दिखाया, डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से थे, वो नाखूनों को देख के इलाज करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे सारी मेरी जो डॉक्टर से ट्रेस नहीं हो पा रही थी मेरी तकलीफ़ें, उन्होंने वो भी बताई देख के। उन्होंने सारा मेरा खुद से बता के मेरा इलाज शुरू किया, तो माशाल्लाह 8 माह मैंने उनका प्रॉपर इलाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1 माह हो गया। मेरी सारी मेडिसिन भी अब उन्होंने बंद कर दी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुकी हूँ, मैं अपने डिप्रेशन से भी निकल चुकी हूँ और इन डॉक्टर साहब के हाथ में अल्लाह ने बहुत शफा रखी है। और ये फी सबीलिल्लाह इलाज करते हैं, कोई एक पैसा नहीं लेते और 24 आवर में आप इनको जिस वक्त कॉल करें किसी मसले के सिलसिले में तो वो फ़ौरन फ़ोन उठाते हैं, और अगर किसी वजह से मसरूफ़ हो तो वो कॉल बैक करके पूछते हैं कि क्या मसला था। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंसानियत दोस्त इंसान हैं और अल्लाह पाक इनको अजर दे, हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं इनके लिए। और इतने बड़े इंसान को हम क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि डॉक्टर साहब कैंसर के इलाज मरीज़ों के लिए एक हॉस्पिटल बना रहे हैं जिसमें उनके सारे टेस्ट, उनकी मेडिसिन, उनकी सब फ्री होगा। तो ये एक बहुत बड़ा मकसद है, बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, वो इसके पीछे लगे हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। और मेरी मुखय्यर हजरात सबसे अपील है कि जो मुझे सुन रहे हैं वो डॉक्टर साहब से रब्ता करें और इस एक बड़े मकसद के लिए उनके साथ हेल्प करें और अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, क्योंकि वो उन्होंने पैसा अपने लिए, उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ हमारे जैसे दुखी इंसानियत के लिए है जिनको जो अपना इलाज तक अफोर्ड नहीं कर सकते, तो डॉक्टर साहब उनके लिए कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी आप इसमें जो सुन रहे हैं तो वो इसमें डॉक्टर साहब की हेल्प करें और अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को कामयाबी दे इसमें और उनको अपने इस इतने बड़े मकसद को पाया तकमील तक पहुँचाए। शुक्रिया। Oh.